पार्टी आ जाए ना, फिर कैसा करूं? सारा तरह से बात भी बोलता हूं, जिस तरह लड़ते मसाई, ये फर्शी अजा हमारी फकत विरासत नहीं है, इस पर तमाम इंसानियत का हक है। कोई आए इस फर्श की शामिल है, जो आता है कुछ ना कुछ लेके जाता है, जितना सब उसका है वो इतना लेके जाता है। हम ये कहते हैं ना, इतने दूसरे आ रहे हैं, हम कामयाब हैं, मजलिसें कैसी हो, गैर अखलाक को बाकायदा दावत नामा दिया जाए, उन्हें बुलाया जाए कैसे, जैसे शादी में बुलाते हैं, जैसे मुहाम पर बुलाते हैं। आओ सुनो, इमाम बारगाहों में तौहीद के कसीदे होते हैं, शिर्क नहीं सिखाया जाता। आओ सही, बैठो सही, इमाम हुसैन हमारी विरासत नहीं है, नबी के नवासे हैं, हमारे लिए भी मोहब्बत है। Yeah.
ये करके सब कुछ पढ़ा है, कुरान नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं अक्सर मुसलमानों को दावा देता हूँ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ मजलिसों में या जलसों में, कि भैया कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए मौलवी की किताब था मेरा दो अल्लाह की किताब पढ़ लो। परेशानी सबसे बड़ी यह है कि हम भी मिंबर से वो पहुंचा है। मिसाल के तौर पर हमारे ऊपर इल्जाम है हम रसूल अल्लाह को नहीं मानते। हमारा फरीजा के ऐसे साकिब का इंतखाब करे, ऐसे अलमा को लाए, हमसे कहे कि मिंबर पर बैठकर शान विशाल बयान करो। वो कह रहे इनके 40 बारे होते हैं, मेरा फरीजा है बाहर बैठ के मिंबर से। हमारे यहाँ कुरान वही है जो आपके हाथ में है, आपको धमका दिया गया है। आइए हमारी मस्जिद को कुरान पढ़ के अगर एक लफ्ज का भी फर्क हो हम मदद छोड़ने को तैयार है। आइए देखिए मस्जिदों में हमारे कुरान रखे हुए हैं। अरे भद्रा विशालत के बारे में बिनाउज बिल्ला के रसूल अल्लाह को नहीं मानते, जबकि हकीकत यह है जैसा रसूल को हम मानते हैं कोई मानता नहीं। हमारे भाई करीब तो है, मसलन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, आपकी मशहूर किताब है तोहफा इस्लामिया जो शुरू के खिलाफ लिखी गई है, उसके रद्द में लिखी थी साहिब काफिले का 100 जिल्दों में जो अरबी के अंदर आज भी मौजूद है। अगर उस आपके दादा ने इसीलिए इनका खानदान काफी मशहूर हुआ और उलमा इराक और इराक ने फैसला किया कि ऐसी किताब मौजूद इमामत पर न इससे पहले छपी है और न आगे छपने वाली है। 100 जिल्दों में किताब आज भी मौजूद है। तो अजीजों इशारा करने का गलत लगा, शाह अब्दुल अजीज दहलवी इसी किताब में लिखते हैं कि शिया हमसे ज्यादा मजबूत अकीदा रखते हैं नबूवत पर, क्योंकि हम मानते हैं कि हजूर 40 साल की उम्र में नबी बने, नगर शुरू के यहाँ रसूल आलम अनुवाद में भी रसूल है। हमारे छठे इमाम अल्लाह की विलादत में बस सआदत हुई तो जिब्रील अमीन आए और एक तश के अंदर आधे कौशल लेकर आए, हौज़े कौसर में पानी ला दिया और आने के बाद सवाल सलाम करते करते या रसूल अल्लाह हुक्म परवरदिगार मैं आपको गुस्ल दूं। अगर जिब्रील यही रुक जाते तो वो कहता भाई गुस्ल तो तभी दिया जाता है जब कोई निजासत हो, मगर जिब्रील ने आगे तक के रास्ते बंद कर दिए। कहा अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपको गुस्ल दूं, मगर इसलिए नहीं कि आप में कोई कसाफत पाई जाती है, यानी नाज़ुबिल्लाह आपको कोई निजासत पाई जाती है, बल्कि हुक्म खुदा यह है कि आपके बदन का जो पानी है मसाला है जो इस्तेमाल होगा उसमें पानी उस धोवन को ले जाकर हौज़े को
उनको नहीं मानते, लोगों तक पहुंचाया जाए जैसा हम मानते हैं कोई नहीं मानता, ऐसा कोई नहीं मानता। हमारी रसूल की इताअत हर हाल में वाजिब है, चाहे रसूल जवान है, चाहे रसूल सईद है, चाहे रसूल बिस्तर पर है। रसूल का हुक्म दे तो उसे पूरा करो। हमारी एक काफिर और मोमिन की पहचान ये है, जो रसूल अल्लाह की आवाज में लबैक कहे वो मोमिन है। क्या कहना और रीजन ये है